फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से कल जहाँ छोड़े थे उसी के आगे से शुरू करते हैं। लास्ट में हमने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें हमने अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स और साथ ही साथ असाइनमेंट ऑपरेटर्स के बारे में बात की। इतना सबको क्लियर है? चलो आज हम लोग और आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे बाद में लगा रहेगा, तो ये हो गया पोस्ट। पोस्ट मतलब बाद। तो प्री इंक्रीमेंट अगर ऑपरेटर पहले लगा है तो हो गया प्री इंक्रीमेंट, और अगर बाद में लगा है तो वो क्या हो गया पोस्ट इंक्रीमेंट। बट दोनों ही केस में करेगा क्या, एक्स की वैल्यू एक बढ़ा देगा। तो आप पूछोगे कि जब काम एक ही करना है तो प्री और पोस्ट का मतलब क्या है ना भाई। काम तो दोनों एक ही कर रहा है, एक्स की वैल्यू क्या कर रहा है, एक से बढ़ा देना है, इंक्रीमेंट कर देना। तो फर्क क्या है, फर्क है काम करने के तरीके में। फर्क क्या है, काम करने के तरीके में। उदाहरण के लिए अगर मैंने कहा इधर ध्यान दो x इक्वल टू 7 तो x एक वेरिएबल बनेगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7। और आपने एक और वेरिएबल बनाया है y, क्या बनाया है y। अब जरा देखिए, अगर मैंने लिखा y इज इक्वल टू प्लस प्लस x, क्या लिखा y इज इक्वल टू प्लस प्लस x। ध्यान से सुनिए, यहाँ पे देखिए y में क्या स्टोर करेगा, प्लस प्लस x। और प्लस प्लस का मतलब होता है पहले बढ़ाओ। क्या मतलब होता है, पहले बढ़ाओ तब असाइन करो। प्लस थ्री मतलब पहले, पहले बढ़ाओ, किसकी वैल्यू बढ़ाओ, x की। तो x की वैल्यू पहले बढ़ाएगा तो क्या हो जाएगा 8। अब इसको स्टोर करेगा किसमें, y में। तो y अगर ये है तो y में क्या रहेगा, वेरी गुड, समझ में आया। अगर आपने लिखा होगा y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, तो इसका मतलब पहले y में x स्टोर कर दो। इसका मतलब क्या हुआ, पहले y में x स्टोर कर दो और बाद में x को बढ़ाओ। पहले स्टोर करो फिर बढ़ाओ, और उसमें क्या होता, पहले बढ़ाओ फिर स्टोर करो। प्री मतलब पहले, पहले बढ़ाओ फिर स्टोर करो। इसमें क्या हो रहा है, पहले स्टोर करो फिर बढ़ाओ। तो पहले स्टोर करेगा तो यहाँ पे क्या जाएगा, पहले 7 था 7 आ गया। अब x प्लस प्लस, फर्क दोनों में आया। जब प्री इंक्रीमेंट करें तो दोनों एड हो जा रहा था, और इसमें क्या हो रहा है, वाई अभी भी 7 है और एक्स 8 हो गया। फर्क दोनों में ये है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल में कुछ ज्यादा समझ में आएगा। इधर देखो, हमने एक वेरिएबल लिया है आई एम पी एक्स, वाई इज इक्वल टू 3 जेड। 3 वेरिएबल लिए, कितने लिए हैं, 3। अब इधर देखिए, जरा से ध्यान दीजिए, यहाँ पे x बनेगा, मेमोरी में x बनेगा, y बनेगा और z बनेगा। वेरी गुड। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और z की वैल्यू अभी गार्बेज है, पता नहीं क्या है, उसमें विशेष नहीं किया है। अब इधर ध्यान दीजिए, हमने पहला स्टेटमेंट क्या लिखा, z इक्वल टू प्लस प्लस x प्लस y प्लस प्लस। क्या लिखा आपने, प्लस प्लस x प्लस y प्लस प्लस। तो अगर देखा जाए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलो yes, ये हम खाली समझाने के ब्रैकेट बना रहे हैं, ठीक है। ये है प्री और ये है पोस्ट। तो पहले प्री वाला मतलब प्री बढ़ा देगा, एक्स कितना बनेगा, अब ये जेड हो जाएगा 8 प्लस, यहाँ पे क्या है y प्लस प्लस, पहले y को यूज करो बाद में बढ़ाओ। y की वैल्यू कितनी है 3, तो z कितना हो जाएगा 11। अब y को बढ़ाओ, कंपोजिशन को पहले यूज करके फिर बाद में बढ़ाना है। इज दैट क्लियर? तो ये है फर्क प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। तो फर्क क्या दिखा आपको? इन प्री इंक्रीमेंट First, operand is incremented then it is used in expression ठीक है, पहले ऑपरेंड को इंक्रीमेंट कर रहा है और उसके बाद उसे एक्सप्रेशन में यूज कर रहा है, है ना। जबकि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या हो रहा है? इन पोस्ट इंक्रीमेंट क्या हो रहा है? बोलो, पहले यूज हो रहा है फिर उसके बाद इंक्रीमेंट हो रहा है। फर्स्ट ऑपरेंड विल बी यूज्ड इन एक्सप्रेशन क्वेश्चन। एनी डाउट क्लियर करते चले जिससे कि बाद में कोई परेशानी ना हो। डिक्रीमेंट होगा फिर यूज होगा, है ना? बोलो भाई। yes, sir. और पोस्ट डिक्रीमेंट में पहले यूज होगा फिर डिक्रीमेंट होगा। मैं दोबारा समझाने की आवश्यकता है डिक्रीमेंट को, आप लोग समझदार हैं, आपको समझ में आ गया होगा। जैसे इंक्रीमेंट में बोला था वैसे ही डिक्रीमेंट में होगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? मैं क्वेश्चन तो आप लोग करके बताओगे। चलो करके बताओ। मान लो हमने डिक्लेयर किया है आईएमटी बताइए। x की वैल्यू क्या आएगी? y की वैल्यू क्या आएगी? z की वैल्यू क्या आएगी? ज्वाला x की 10 आएगी, y की 3, y की 2, y की 2 और z की 12। सभी लोग का यही आंसर है पक्का? यस अंकिता। सर का 21 आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दो, आप लोग क्या कर रहे हो? आप खुद सोचो कैसे होना है। इधर देखो, शुरू में हमारे पास x की वैल्यू है 9, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है गार्बेज। ठीक है ना? अब यहाँ से शुरू करो, लेफ्ट टू राइट चलो। ये हमारा पोस्ट इंक्रीमेंट है, so z equals to 9 plus y minus minus y कैसा है? पोस्ट डिक्रीमेंट है, तो प्लस 3 10। यहाँ पे y माइनस माइनस यूज किया 3, इंक्रीमेंट कर दिया y हो गया 2, प्लस प्लस x 3 है तो पहले इंक्रीमेंट करेगा तो हो जाएगा 11 और यूज करेगा 11। अब जोड़ी 9 प्लस 3 12 और 12 और 11 से चलो ना, यहां से जब यहां तक आया तो इंक्रीमेंट हो चुका ना बेटा। x को यूज किया और उसको इंक्रीमेंट किया, x को यूज किया 9 तो 9 था तो इंक्रीमेंट हुआ क्या हो गया 10। फिर यहां आया, यहां पे क्या लिखा है y माइनस माइनस y था 3, 3 यूज किया और माइनस माइनस किया क्या हो गया 2, प्लस प्लस x, x अभी कितना है 10, प्लस प्लस किया कितना हो गया 11 यूज कर लिया आपने एज इट इज। अब इसको ऐड करो कितना आएगा 23, सॉरी 23 जोड़ने पर उससे गलती हुई, थैंक यू। तो ये हो जाएगा 23। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? पहले डिटरमिनेंट करेंगे तो जाएगा 4, यूज करो 4, फिर माइनस लगाओ, फिर निकाल a प्लस प्लस, ये पोस्ट है मतलब पहले यूज करो फिर इंक्रीमेंट करो। a को यूज किया, करेक्ट क्या है 3, अब इंक्रीमेंट करो 4, ठीक है ना। फिर क्या लगा है माइनस, माइनस लगाया, माइनस माइनस ए प्री डिक्रीमेंट है तो पहले डिक्रीमेंट करो एंड देन इसको यूज करो, ठीक है ना सर। ये आप जो नया वाला मिला है उसमें स्मार्ट करेंगे सर, भाई जो अब तक हो चुका है वैल्यू उसकी जो दिया गया क्वेश्चन उसका जो मतलब अपडेट किया है अपडेट जो हुआ है उसके ऊपर। अब आगे आइए, यहाँ पे क्या है प्लस प्लस लगाया, b माइनस माइनस पोस्ट है तो पहले यूज कर लो, डिक्रीमेंट क्या है 4, अब इसको डिक्रीमेंट करो, अब c को कैलकुलेट करो 4 माइनस 3 माइनस 3 तो कितना हो गया माइनस 2 प्लस 4 यानी कि 2, तो c की वैल्यू हो जाएगी, तो आंसर क्या आ गया a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 2। समझ में आया, इज दैट क्लियर। ध्यान रखना पड़ेगा ऑर्डर कैसे चल रहा है। आगे बढ़ते हैं, अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं। हमारा अगला जो ऑपरेटर्स होंगे उनको हम कहते हैं रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर्स। क्या कहते हैं रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर्स। बातचीत करने का ध्यान दो। रिलेशनल या कंडीशनल ऑपरेटर यानी वो ऑपरेटर जिनका प्रयोग हम कंडीशन चेक करने के लिए करते हैं। उनका प्रयोग किसके लिए करते हैं? कंडीशन के लिए। दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू इवैल्यूएट कंडीशन इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग इन ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। अब हमारे ये ऑपरेटर्स क्या क्या है देखिए। पहला है, इसको बोलते हैं लेस देन। क्या बोलते हैं? ये है, इसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल्स टू। क्या बोलते हैं? लेस देन और इक्वल्स टू, ठीक है। अगला ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। अगला ऑपरेटर है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, देखिए मैथ्स में आप इक्वल्स टू पहले लगा सकते थे, यहाँ पे इक्वल टू लगा सकते बट यहाँ पर सी में ऐसा नहीं, सी में लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ये क्रम आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा इसको बोलते हैं इक्वल टू। ध्यान रखिए, अगर सिंगल इक्वल टू लगाएंगे तो वो असाइनमेंट हो जाएगा। अगर चेक करना है क्या ए बी के बराबर है तो क्या लिख करेंगे डबल इक्वल्स। इसी प्रकार से नॉट इक्वल्स के लिए हम यूज करते हैं ये सिंबल। ये क्या है? नॉट इक्वल्स टू। तो ये हमारे रिलेशनल ऑपरेटर या कंडीशनल ऑपरेटर कहलाते हैं। जहां पे आपको कंडीशन चेक करना होता है वहां पर आप इन ऑपरेटर्स का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मुझे ये चेक करना है क्या ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है, तो हम चेक करेंगे ए ग्रेटर देन बी। ठीक है ना, हमें चेक करना है क्या एक्स वाई के बराबर है, क्या एक्स वाई के बराबर है, एक्स इक्वल्स टू वाई। चेक करेगा क्या एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू बराबर है, क्या जेड सी से छोटा है, जेड इज लेस देन सी। समझ में आया ऑपरेटर्स कैसे प्रयोग कर रहे हैं, पहला ऑपरेंड दूसरा ऑपरेंड। तो ये सारे ऑपरेटर्स कैसे हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स है, कैसे है बाइनरी ऑपरेटर, क्योंकि इसमें दो ऑपरेटर्स हैं लेफ्ट और राइट। इज दैट क्लियर, एनी डाउट्स? वेरी गुड। आगे बढ़े, हमारी अगली कैटेगरी है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग हम दो कंडीशन को जोड़ने के लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स का प्रयोग हम दो कंडीशंस को जोड़ने के लिए या फिर किसी कंडीशन को उल्टा करने के लिए, इसी कंडीशन को उल्टा करने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स? दीज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू जॉइन टू कंडीशंस को जोड़ने के लिए या किसी कंडीशन को नेगेट करने के लिए, यानी कि उल्टा करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो हमारे पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। पहला ऑपरेटर है दो बार एम्परसैंड एंड लिखा जाए, इसको बोलते हैं, जो ये लिखा जाता है इसको बोलते हैं एम्परसैंड एंड। तो दो बार अगर एम्परसैंड लिखा तो ये इसका मतलब होता है एंड ऑपरेटर, इसको पढ़ते हैं क्या है एंड ऑपरेटर। ठीक है, लॉजिकल एंड इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड। इसी तरह से दो बार ऐसे पाइप लगा दिया जाए, इसको बोलते हैं पाइप, क्या बोलते हैं पाइप। दो बार अगर पाइप लगा दिया जाए तो इसको कहते हैं लॉजिकल और। क्या बोलते हैं लॉजिकल और अगर एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया है तो बोलते हैं लॉजिकल नॉट, क्या बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ये एक ही, हाँ ये सिंपल है। इज दैट क्लियर? तो ये तीन ऑपरेटर्स हैं हमारे, जिनको हम लोग कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है ना, उदाहरण के लिए एग्जाम्पल देखिए ज्यादा समझ आएगा। ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए इज ग्रेटर देन सी। यहां पे एक कंडीशन ये है C1, एक कंडीशन ये है C2। ये C1 C2 आपको समझाने के लिए लिखा है। तो C1 एंड C2, अब देखिए एंड ऑपरेटर का रिजल्ट तभी ट्रू होगा, एंड ऑपरेटर का रिजल्ट तभी ट्रू होगा जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। क्या? हाँ, जब दोनों ट्रू होंगे, कंडीशन वन और कंडीशन टू, तभी इसका आउटपुट ट्रू आएगा एंड का। ठीक है, उदाहरण के लिए इसको जो हम बना रहे हैं इसको बोलते हैं ट्रुथ टेबल। क्या बोलते हैं? ट्रुथ टेबल। ये ट्रुथ टेबल बताता है कि कब इसका रिजल्ट ट्रू आएगा और कब फॉल्स आएगा। अगर मान लेते हैं कंडीशन वन ट्रू है और कंडीशन टू भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अगर इनमें से कोई एक भी फॉल्स हो जाए तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। अगर ये ट्रू है ये फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। अगर दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स आएगा। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? मान लेते हैं ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 7 है। मान लो ए की वैल्यू क्या है? बी की वैल्यू और सी की वैल्यू। अब कंडीशन चेक करो, सी1 देखो, क्या ए बी से बड़ा है? फॉल्स। या ये होगा या ये होगा। क्या ए सी से बड़ा है? नहीं, फॉल्स। दोनों फॉल्स है, यानी ये वाला है। तो रिजल्ट क्या आएगा? C1 एंड C2 का। क्लियर? मान लेते हैं ए की वैल्यू 9 है, बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू। तो क्या ए बी से बड़ा है? यस, तो ट्रू है। क्या ए सी से बड़ा है? यस, ट्रू है। दोनों ट्रू है तो रिजल्ट। आप देखो, आप देखो, क्या ए बी से बड़ा है? फॉल्स। ये है। क्या ए सी से बड़ा है? यस, ट्रू। तो फॉल्स और ट्रू, रिजल्ट फॉल्स। समझ में आया? ये इस तरह से काम करता है। अब ये हमारा ट्रुथ टेबल किसका है? एंड ऑपरेटर का। अगर यही चीज हम और ऑपरेटर से करें, यानी यहां लिखे A1 A इज ग्रेटर देन B और A इज ग्रेटर देन C, C1 और C2। याद रखिए, इसमें रिजल्ट अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू आएगा। जैसे इसमें दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा, एक ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, ये ट्रू है तो भी ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स। ये इसका ट्रुथ टेबल है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और अगर किसी कंडीशन के पहले नॉट लगा दिया जाए, ध्यान सुनिए, किसी कंडीशन के पहले अगर नॉट लगा दिया जाए तो उस कंडीशन का रिजल्ट उल्टा हो जाएगा। जैसे अगर हमने इसी के पहले लगा दिया नॉट, नॉट ए इज ग्रेटर देन बी और ए इज ग्रेटर देन सी, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यानी कि ये है, अगर नॉट C1 और C2 करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू। समझ में आया? तो कंडीशन को उल्टा करने के लिए इसके पहले क्या लगा देते हैं? नॉट को हमेशा एंड और ऑर के साथ ही यूज करें, कोई जरूरी नहीं। लो, एक कंडीशन है उसके पहले नॉट लगा दिया तो नॉट ए इज ग्रेटर देन बी, C2 को हटा देना। अब यहाँ पे क्या हो गया? ऑपरेंड 1, ऑपरेंड 2 और यहाँ हो गया नॉट ऑपरेंड 1 ग्रेटर देन ऑपरेंड 2। तो यहाँ पे क्या होगा? अगर हमारा A की वैल्यू 3 है, B की वैल्यू 5 है, A इज ग्रेटर देन B फाइव, तो ए ग्रेटर बी नो फॉल्स, तो फॉल्स का होता है क्लियर, समझ में आया? वेरी गुड। तो ये थे हमारे लॉजिकल ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स की बात करते हैं। हमने जब सी का कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था, फीचर्स बताया था, तो उसमें हमने कहा था कि सी लैंग्वेज में हम डेटा को उसके लोवेस्ट लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। डेटा को उसके लोवेस्ट लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, अर्थात उसके बाइनरी लेवल पे, लोवेस्ट लेवल यानी बाइनरी लेवल पे उसके हम मैनिपुलेशन कर सकते हैं, राइट? These operators are used to manipulate data at its lowest level. Lowest level यानी कि लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं, यानी कि बाइनरी लेवल पे मैनिपुलेट कर सकते हैं। जरा ध्यान दीजिए, हमारे पास अलग अलग तरह के बाइनरी या बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। कौन कौन से? पहला है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। कौन सा है? इसके लिए सिंबल है दो बार लेस देन। दूसरा है राइट शिफ्ट ऑपरेटर। इसका सिंबल है दो बार ग्रेटर देन, ठीक है? अगर हम लोग लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की बात कर लें, मान लेते हैं कि हमने एक्सपेरिमेंट क्रिएट किया, इधर कर दो आई एन टी एक्स इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो x एक वेरिएबल है और एक वेरिएबल है y। x की वैल्यू कितनी हो गई और y की वैल्यू गार्बेज है। अब जब आपने कहा y इज इक्वल टू एक्स लेफ्ट शिफ्ट 2, देखिए बाइनरी ऑपरेटर्स हैं दोनों, दोनों कैसे हैं? अब इसका अर्थ क्या हो पहले समझो। x को, x का जो बिट है उसको 2 स्थान बाएं ले जाओ। कितने स्थान? 2 स्थान। अगर हम x को बाइनरी में लिखें, x क्या है 5, 5 को अगर बाइनरी में लिखें तो 5 बाइनरी में कैसे निकल जाता है? 1 0 1। अब चूंकि x इंटीजर है, x कैसा है? मेमोरी में कितनी जगह लेगा? 16 बिट, तो 3 तो ये हो गए, बाकी बच्चे क्या 13 0 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दो स्थान, यानी कि ये वाला जो वन है एक स्थान ये हुआ, दूसरा स्थान ये हुआ, यहां आ जाएगा। ये वाला कहां चला गया? यहां पे आ गया। और ये वाला जीरो यहां आएगा और ये वाला वन वन जीरो वन, और ये जो बाकी जो बचे यहां पे जीरो भर दो, ठीक है ना। अब बाकी जो जैसे थे जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 जीरो भर दो। अगर देखो तो 1 0 1 0 0 बाइनरी में इसे डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 2 4 8 16 16 और 4 कितना होता है? 20। तो यानी कि हमारा y की वैल्यू हो गई 3 स्थान बाएं शिफ्ट करो, बाएं। तो ये यहां पर तीसरे पे है, तो 3 स्थान कौन सा है? एक स्थान ये, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, यानी यहां पे माना जाएगा, ठीक है। अब ये भी तो 3 स्थान आगे जाएगा, 1 2 3, ठीक है ना। ये भी तो 3 स्थान आगे जाएगा, 1 2 3, है ना। बाकी तीनों में क्या जाएंगे? और उसके पहले जो थे वो जीरो है। मूव कर दिया बाय, जब बाय मूव किया तो अभी डेटा कितना हो गया? जरा जीरो कन्वर्शन पढ़ाया था हमने, 2 4 8 16 32, 32 और 4 32 और 8 40, सॉरी 32 और 8। तो भाई कितना हो गया? 4। अगर मैंने कहा होता 1, अगर मैंने कहा होता 1, इसका मतलब एक एक स्थान बाएं ले जाओ, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला इधर आ जाएगा। कितना हो जाएगा? 2 4 8 8 और 2 10, दिख रहा है। तो देखिए जब एक स्थान मूव करें तो 5 × 2 10, जब 2 स्थान मूव करेंगे तो 5 × 4 20, जब 3 स्थान मूव करेंगे तो 5 × 8 40, ऐसी बढ़ा था ना। तो दिस इज नथिंग बट x मल्टीप्लाइड बाय 2 टू द पावर ऑफ, और राइट शिफ्ट में इसका उल्टा होगा, राइट शिफ्ट में उल्टा होगा। जैसे मान लेते हैं हमने लिखा x राइट शिफ्ट 1, x राइट शिफ्ट 1, मतलब x को एक स्थान दाहिने घुमाओ, देखा ये वाला 1 गायब हो जाएगा, दाहिने से कोई नहीं रहेगा, ये गायब हो जाएगा, ये वाला 0 इधर आ जाएगा और ये वाला इसी जगह आ जाएगा, और बाकी सब जीरो तो नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये कितना है? 2 है। तो 5 को 2 से भाग दो, कितना आता है? 2 ही आता है। अगर हमने कहा था 2 स्थान तो क्या होता है? ये वाला इधर आ जाता है ना, हो जाता हुआ। तो 5 को अगर 4 से भाग देंगे कितना आएगा? तो देखा जाए तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन एंड दिस इज डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन बाय 2 टू द पावर ऑफ n, दिस इज डिवीजन बाय 2 टू द पावर ऑफ ये n ये है, समझ में आया? ये है हमारा भी बढ़ाने के कल इससे आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। जय हिंद जय भारत।